पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी आज भोस नगर पंचायत के करीब 50 ग्रामीण बारिश से डरे सहमे उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को पांटा साहिब फूड कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा की जा रही अवैध तरीके से कटिंग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सोलन और सिरमौर की सीमा क्षेत्र से सटी भोस नगर पंचायत में पांटा साहिब कोल्ड स्टोर के निर्माण से स्थानीय लोगों की करीब 6 बीघा भूमि के लिए खतरा पैदा हो चुका है। गौरतलब है कि पहाड़ी की 100 डिग्री पर कटिंग की गई है, जिससे उसके साथ लगती जमीन में अब दरारें आ चुकी हैं। लोगों की निजी जमीन और पशुशाला समेत कुछ घर इन दरारों की चपेट में आ रहे हैं। बरसात में कभी भी उनकी खेती, पशुशाला और मकान धस सकता है। लगातार उनकी जमीन और घर पर खतरा बना हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल, डीसी सोलन, एसडीएम सोलन और एडीएम सोलन को शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आज फिर भारी बारिश के बावजूद सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर एसडीएम को मिले और उचित न्याय की मांग की। भोस नगर पंचायत के निवासी रंजीत ठाकुर ने कहा कि कोल्ड स्टोर के कार्य के चलते करीबन 15 से 18 बीघा जमीन ग्रामीणों की खराब हो गई है और साथ लगते मकानों और गौशालाओं में दरारें आ गई हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला उन्होंने कई दफा ग्राम पंचायत में भी उठाया, जिसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य से 3 रोड पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन से एक बार दोबारा न्याय की गुहार लगाई गई है। भोजनगर में पांटा साहिब फूड कॉरपोरेशन ने कोल्ड स्टोर का निर्माण किया है। इस निर्माण के दौरान इन लोगों ने गाँव की लगभग 16-17 बीघा जमीन पूरी तरह से खराब कर दी है। इन लोगों ने पंचायत में भी लिख कर दिया गया है कि यदि किसी पड़ोसी का नुकसान होता है तो हम इस नुकसान की भरपाई करेंगे, लेकिन अब ये कोई किसी तरह का भी बातचीत करने से भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए आज हम ग्राम पंचायत भोजनगर के गांव मैया के लगभग 50 आदमी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए सोलन आए हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसकी कार्रवाई निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इनके कार्य से 3 रोड पूरी तरह प्रभावित हैं, जो बरसात में बिल्कुल बंद हो चुके हैं और मकानों और पशुशाला का भी काफी नुकसान हो चुका है। नजायज कब्जा भी इसमें शामिल है और ये लोग सबको धमका रहे हैं कि अपनी जमीन बेच दो औने पौने दाम में।